Well, Chhattisgarh Deputy Speaker Narayan Chandel is in the dock after his pilot vehicle ran over a 21-year-old, killing the girl. What adds to his troubles is the fact that the Deputy Speaker does not even qualify to have a pilot vehicle. This 21-year-old student with severe injuries lying unattended on a road in Raipur after she was hit by the pilot vehicle of a VVIP cavalcade. By the time Madhu Jain was taken to the hospital, she had succumbed. लाल बत्ती गाड़ी ठोका है पूरा पीछे का पूरा सर चूरा चूर हो गया सर का हड्डी मैं खुद अस्पताल में उठा के लेके गया गाड़ी में क्या हुआ आमने सामने भिड़ंत हुई या पीछे से नहीं मैं उधर खड़ा हुआ था लाल बत्ती आया ट्रैफिक वाला भी खड़ा हुआ था वहां पर वो साइड नहीं किया जबकि साइड करना चाहिए उनको द हिट एंड रन कॉज्ड बाय द पायलट व्हीकल ऑफ छत्तीसगढ़ डेप्यूटी स्पीकर नारायण चंदेल बट अ वीक आफ्टर हिज कैवलकेड हिट अ यंग स्टूडेंट चंदेल रिमेन्स इन डिनायल 10:30 बजे के आसपास हम विधानसभा आ रहे थे और शंकर नगर के पास पहले कोई दुर्घटना हो चुकी थी किसी कोई बाद में मुझे पता लगाया कि किसी गाड़ी वाले ने किसी को ठोक के आगे निकल गया है तो मैंने अपने पायलटिंग वाले को रुकवा कर कहा कि देखो क्या मामला है कौन है और उनके अस्पताल पहुंचाने की उनको व्यवस्था करवाई है मेरी गाड़ी से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है As per the rule book, this man does not even qualify to have a pilot vehicle. But in Chhattisgarh, it seems such violations by politicians have become common. VVIP काफिलों से लोगों की मौत होना निरंतर जारी है जगदलपुर में भी आज एक मौत का समाचार है हम ये चाहते हैं कि VVIP के जो काफिले हैं उनकी तेज गति के फॉलो गार्ड हैं उन पर रोक लगे Unless the Chhattisgarh Deputy Speaker is made to face the law, ordinary people will have to tread the roads with caution at the mere sight of a red beacon. Bureau Report, Times Now.